ये जो आपके पत्थर चीने में दिख रहे हैं भैया, यहाँ पे साल में सिर्फ एक बार आया जाता है। जैसे किसी के घर में डेथ होती है, उसके लिए यहाँ पे हमारे घर से घर की टोल आती है 5-7 लोगों की, तो हर घर से आते हैं वो जिसके घर में डेथ हुई है, वो यहाँ आते हैं। एक रात का डेरा हमारा इसके पास लगता है, यहाँ पे फ्लैग चढ़ता है और यहाँ पे उस चीज़ों का दान किया जाता है जिसकी डेथ हुई है, उसके नाम का झंडा लगा के जाते हैं। यहाँ से लेकर शुरू होता है और इस चोटी के पीछे तक जाता है। तो भाई ये बता रहे हैं कि जब भी कोई मर जाता है ना, अच्छा उत्तराखंड में भी ऐसा ही है, उत्तराखंड के ऊपर पहाड़ों में, कि जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो फैमिली वाले सब लोग आते हैं कुछ लोग, और यहाँ पे ऊंचाई पे, पासिस पे, दर्रों पे, ऊंची ऊंची धार पे, कंडे पे जाके वो झंडी वगैरह चढ़ा के फिर वापस चले जाते। यार गाड़ी से बहुत दूर आ गए हम, जिस रास्ते हम चढ़े थे ना उस रास्ते से उतर नहीं रहे, किसी दूसरे रास्ते से उतर रहे हैं, और चारों तरफ है भाई धुंध, तो दिशाओं का पता भी नहीं चल रहा। लेकिन क्या है कि मुझे ना दिशाओं का पता चल जाता है, इधर है पूरब, पूरब इधर है, और जिधर मेरा मुंह है इधर है उत्तर। अगर बादल वगैरह ना होते तो इधर इस डायरेक्शन में हमें किन्नर कैलाश पूरी सीरीज दिखाई देती। किन्नर कैलाश, जोरकांदन, 2-3 पर्वत और हैं जो हमारे होटल से सामने दिखाई देते, वो इस हाइट से और अच्छे दिखते। अच्छा, और सामने यानी कि उधर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में पता क्या दिखता, उत्तर दिशा में दिखती 99% चांस है, मुझे 100% नहीं लग रहे, रियो पुरगिल। रियो पुरगिल जो है नी हिमाचल की सबसे ऊँची चोटी है, हाइट वगैरह मुझे पता नहीं है, जैसे उत्तराखंड की सबसे ऊँची चोटी नंदा देवी है, उसी तरह से हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है रियो पुरगिल, तिब्बत बॉर्डर पे है, तो वहाँ पे किसी का जाना अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ से दिखती ऐसा मुझे 99% अनुमान है। अच्छा, बहुत देर होगी हमें नीचे उतरते हुए, अभी हम हैं 3650 मीटर की हाइट पे और हमारी गाड़ी खड़ी हुई है 3600 मीटर। गाड़ी से हम काफ़ी दूर हैं, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, तो अगर हम इसी तरह उतरते रहे ना, हम किसी और रास्ते से उतर रहे हैं, समझ रहे हो ना, किसी और रास्ते से उतर रहे हैं। गाड़ी तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा हो सकता है नीचे उतर के चढ़ाई भी चढ़नी पड़े, लेकिन मुझे लग रही है भूख, और जब मुझे भूख लगती है तो मैं ऊपर नहीं चढ़ाई करता, चढ़ाई नहीं चढ़ाई करता। वो धार देख रहे हो ना, धुंध में शायद उतनी अच्छी ना दिख रही होगी, तो अगर हम उस धार के साथ 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 नीचे उतर जाएँ तो पहुँचेंगे सीधे सुसाइड पॉइंट। सुसाइड पॉइंट नकली नाम है, असली नाम है उसका रोला क्लिफ, कुछ लोग उसे रोगी क्लिफ भी बोलते हैं क्योंकि उसके बगल में रोगी गाँव है। स्थान बहुत अच्छा है, तो मैं अभी नीचे उतर के आराम से बैठ के यहाँ के बारे में और बकर बकर करूँगा। भाई रुको रे, सभी लोग रुको, एक मुझे बहुत काम की बात कहनी है। इधर से कितना नीचे उतरना है ना, मैं कैमरा लेकर आ रहा हूँ, कैमरे में बोलना। कितना नीचे उतरना? बस हमने यहाँ से इस पेड़ के जितने उसके लेवल में उतरना है, अरे को हमने आप कहीं चढ़ाई नहीं चढ़ना। अरे सुनो, हाँ जी, अभी हमें बिल्कुल गाड़ी के लेवल में, हाँ जी, जितनी हाइट पे गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी है यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। अच्छा, गाड़ी के लेवल में, हाँ, तो अगर हम यहाँ से ज्यादा नीचे उतर गए तो इसका मतलब कि हमें गाड़ी तक पहुँचने के लिए फिर से चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना नहीं पड़ेगा हमें। अरे सुनो, हाँ जी, चढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं, मैं आपको सीधे सीधे ले जाऊंगा, ऊपर नहीं चढ़ूंगा, ऊपर नहीं चढ़ूंगा, पक्का कह रहा हूं, हाँ पक्का, नहीं तो मैं शॉर्टकट मार दूंगा, नहीं नहीं, आप कहीं शॉर्टकट नहीं मारोगे, सीधे होटल, हाँ जी, नहीं आप कहीं नहीं चढ़ोगे, आपको नहीं चढ़ाऊंगा मैं, आपको सीधे सीधे लेवल में ले जाऊंगा। ये जो है ना, ये मेरा एरिया है, हाँ जी, और मैं यहाँ के सारे रास्ते जानता हूँ, हाँ जी। नहीं बेचारा अमन वहाँ फंस जाएगा, आप लोग इधर से चले गए, इधर से फंस। ये ऐसी हमारी शुद्धि जगह है, यहाँ पे साल में एक बार हमारे देवी देवता जी आते हैं और पूजा पाठ किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी
लोगों के आने से गंद फैला लिया था कई लोगों ने, इसी करके यहाँ पे चारों तरफ से फेंसिंग किया हुआ है और इस जगह को बहुत शुद्धि माना जाता है। हमारे पूरे कल्पा, डाखो और दो तीन गांव हमारे ऐसे कि हमारे इसी पानी से हमारे खेतों को सींचा जाता है या हमारे यहीं से पीने के लिए इस पानी को पाइपों द्वारा, इस जगह को चाका बोलते हैं। चाका, हाँ जी, बस चाका का जो पानी का जो मेन स्रोत है वो यहीं से निकलता है। पिछली बार जो हम चाका का ट्रैक जो हमने किया था ना, आपको याद होगा, एक नाले के साथ साथ किया था, पानी के नाले के साथ साथ, तो उस नाले का सोर्स यही है। अब वो नाला भी बहुत बड़ा, मुझे लग रहा था कि बहुत सारे इधर उधर से छोटे छोटे नाले मिलते होंगे, छोटे छोटे सोर्स होंगे बहुत सारे, एक आगे फिर इकट्ठा होकर मिल जाता होगा, लेकिन इतना बड़ा सोर्स मैंने पहली बार देखा पानी का। देखो होता क्या है, ये ज़मीन के अंदर से पानी आ रहा है, इसके चारों तरफ क्या है, एक तरफ दो तरफ तो है ढलान, दो तरफ है ऊँचे ऊँचे पहाड़। अब जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पर बर्फ़ भी पड़ती है, आज के टाइम में उन पर बर्फ़ नहीं है लेकिन बारिश वगैरह तो हो रही है, तो जितनी भी बारिश है सारी की सारी मिट्टी के अंदर जाएगी, बर्फ़ पड़ेगी वो भी गल के मिट्टी के अंदर जाएगी, तो मिट्टी के अंदर ना इतना सारा वो हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे हमारे प्लेन में बोरिंग करते हैं तो नीचे अंदर से मिट्टी निकल जाती है, नीचे कैविटी बन जाती है, कैविटी में पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर वो मोटर लगा के पानी खींचते रहते हैं, आता रहता है, कहाँ से आता है वो पानी, वो सब ज़मीन सोख के रखती है और वो धीरे धीरे कैविटी बन जाती है, निकल जाता है। इसी तरह की नेचुरल कैविटी यहाँ पे पहाड़ों में बनी हुई है, हर जगह पहाड़ों में बनी होती है, तो आसपास का वो सारा पानी उस कैविटी में आगे इकट्ठा हो जाता है, फिर ज़मीन के अंदर से कहीं से सूटेबल जगह होती है वहाँ से निकल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पे पानी हो जाता है ख़त्म सोर्स में, मतलब समझ रहे हैं, किसी दिन मतलब किसी सीजन में बारिश वगैरह नहीं पड़ी तो पानी ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सोर्स जो है ना सूख भी जाते हैं और कई बार नए नए सोर्स भी डेवलप हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये बहुत बढ़िया सोर्स है और नदियों के सोर्स, पानी के सोर्स तो हमेशा से ही पूजा करने के स्थान रहे हैं, तो यहाँ पे भी भाई इनका देवता आता है साल में एक दो बार, चारों तरफ इन्होंने बाउंड्री कर रखी है, झंडी वगैरह लगा रखी है, कुल मिला के बढ़िया एकदम माहौल सा है। धूप निकल गई भाई, ज़्यादा देर नहीं रहेगी, थोड़ी देर रहेगी फिर से ऐसे ही हो जाएगा, बादलों की आँख में चोली लगी हुई है भाई। सुनो, थोड़े से ना हम नीचे आ गए हैं गाड़ी से, गाड़ी ऊपर है कुछ, हम थोड़े से नीचे आ गए, इस रेंज में होगी जहाँ पर आपको ओम मने पद्मे ओम का झंडा दिख रहा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा भाई थोड़ा, यहाँ से देखो परे ऊपर चढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, चलो यहीं से जाएंगे हम, चलो करेंगे हिम्मत, चलो जाना तो पड़ेगा। अरे अगर यहाँ से हम सीधे जाऊँगे ना, हैं भाई, अगर हम यहाँ से सीधे जाऊँगे तो अभी ये आधे किलोमीटर का इसी तरह का रास्ता है, उससे अच्छा पहले ऊपर चढ़ जाओ, थोड़ा सा ऊपर है फिर हम प्लेन आ जाएगा वही वाला जिससे हम गए थे, हल्की सी मेहनत है, ऊपर चढ़ जाओ सीधे,
हम ऊपर चढ़ रहे हैं सीधे यहीं से चढ़, कोई ना चढ़ जाऊंगे, चल तो चल। ये एरिया ना थोड़ा सा स्टीप है आधा किलोमीटर का, और हमारे इसी लेवल में गाड़ी खड़ी हुई है, तो या तो हम इसी लेवल में चले, समझ रहे नहीं, इसी लेवल में चले स्टीप रास्ते पे, तो उसमें स्पीड भी हमारी कम है और हमें बहुत संभल संभल के चलना पड़ रहा है। दूसरा तरीका है थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाए 50-60 मीटर, फिर ऊपर ऊपर हमें प्लेन रास्ता मिलेगा। चढ़ाई किधर कम है? चढ़ाई बस इधर या इधर? नहीं इधर नहीं जाना, इधर 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 जाना हमने, इसके बीच से जाना, इसके बीच से चलो, इसके बीच से जाना हमने, ऐसे चलो ऐसे, चलो ये ठीक है, ये ठीक है रास्ता। हाँ ना ज्यादा चढ़ाई है, ये जो बड़े बड़े पत्थर थे ना भाई, इन्होंने ना प्राण निकाल दिए हमारे, प्राण निकाल दिए, बस वो हमने किसी तरह से रोक रखे बड़ी मुश्किल से। पता है हम जो 3800 मीटर चढ़ गए थे, उसके बाद हम नीचे उतरे, वो जो पानी का कुंड था उस, वो था 3500 मीटर पे, 3600 मीटर पे हमारी जो है गाड़ी खड़ी हुई है, और पता है अभी हम गाड़ी तक जा रहे हैं और अभी हमारी हाइट हमें 3700 मीटर पे। अभी तक अगर शॉर्टकट मार दे ना तो अमन के होटल तक पहुंच जाते। वो तो कब का, हमारा स्नैक्स बन जाना था, हमारा सब कुछ बन जाना था। चलो भाई जी, बिस्कुट का, बिस्कुट का एक पैकेट लाए थे इतना बड़ा, कम से कम भाई चार लोग मिल के खाए उसे। चना भी तो था, सर्वाइवल चना था, उसको हम 3 बार पहले खा चुके थे, जो बाकी बचा हुआ था इतना सारा, इतने सारे चने, वो हमने 3-4 लोगों ने मिलके खा लिए। और मुझे भयंकर वाली भूख लग रही है, पैदल चलने में समस्या नहीं है लेकिन भूखा पैदल चलने में समस्या है मुझे। सबका वही है, तुम्हारा भी वही है, सेम हाल है भाई। फिर हंस क्यों रहे हो? हंसी आनी चाहिए, नहीं तो फिर हार्ट नहीं, वॉक नहीं कर पाएंगे ना, हंस हंस के जाना पड़ेगा, हंस हंस के जाना पड़ेगा, बिना हंसे तो जंगल में फंसे रहेंगे। मुझे ये हंसते हुए लोग बहुत खराब लग रहे हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूँ। भाई भाई सुनो, अमन कर रहा है मौज, हमें उसकी मौज बिल्कुल बर्दाश्त, अमन को ना डाले में डालना है, ठीक है, किसी भी तरह से आगे हमें बैठना है भाई, पैर जवाब मेरे दे चुके हैं, मुझे भूख लग रही है। इधर सुन, तेरे से काम की बात बताऊं, अमन देख पीछे डाले में तो बैठेगा नहीं, भारी भरकम शरीर है, अमन पीछे नहीं बैठेगा डाले में, तुझे जो ना बिल्कुल बिखर जाना है, हंसना ही नहीं है। मैं पहले से बिगड़ी पड़ी हूँ, मेरी हालत ही नहीं है, हंसना ही नहीं है, उससे कहना अमन भैया, अमन अमन भाई मैं तो गई है ना, और तेरे साथ मैं भी बैठ जाऊंगा चलते टाइम, अमन को पीछे बैठाऊंगे भाई, ठीक है, हंसना नहीं है कतई। मेरा नाक भी बह रही है पानी से, दिए वो आखिरकार पहुंच गए, और हमारे चेहरे की हंसी देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम कितने प्रसन्न हैं। वो जो बुग्याल सा दिख रहा है ना, वही है चागा कैंप साइट, और हमें ना बहुत छोटा सा इतना सा अमन भी दिखाई दे रहा है, और मौसम भी देखो साफ सा होने लगा है, खुलने से लगा है, उस तरफ नॉर्थ है, नॉर्थ उस तरफ है नॉर्थ, लेकिन अभी भी बहुत सारे बादल हैं, तो वहाँ तिब्बत वगैरह तक के पहाड़ भी दिखाई देते हैं, और हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी को क्या नाम बताया था मैंने, रियो पुर्ग्याल, वो भी दिखाई देती, मतलब देनी चाहिए 99%।
आखिरकार हमारा अमन भाई मिल गया। अमन भाई, अमन भाई नमस्ते कर रहे हैं। शर्म आ रही है थोड़ी बहुत? नहीं आ रही। क्या हम देखो कितने थक के आए हैं। तो अबे उदास मुंह बना यार, मैं बहुत थकी हुई हूं। हां हंसना नहीं है। हम खा के आए मटन। ऐसे की तैसी वो यहां ऊपर ये देखो आग भी जल रही है। दार मटन नहीं बोलते उसे, गधे की लीद बोलते हो। गधे घूम रहे ना वहाँ पे ऊपर मटन, वो वहाँ गधे घूम रहे हैं। पता नहीं क्या क्या खा लिया इन्होंने। ये कह रहे हैं जो मटन खा के आए हैं। ये पहाड़ के ऊपर चढ़ा ना, इसका ब्रह्म कमल घूम गया। इनका ब्रह्म कमल घूम गया इनका। तब जाके क्या खाया पता नहीं, में दो लुगड़ी भी पी ली। घंटी अच्छा घंटी चल रही है। घंटी का क्या बता रहे हो? कुछ नहीं बता रहा मैं घंटी। देखो तुम, हम गए थे ये बाबा शंभू, शिव शंभू के ऊपर यहाँ पर, तो हम घंटी बजा के आए हैं वहाँ पे। वहाँ पे वहाँ मंदिर है ना, मंदिर में घंटी के टन 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 घंटी बजा के आए भाई। अमन भाई जो है ना घंटी बजा के आए हैं। मैं बता दूं घंटी क्या होता है। घंटी होती है जी यहाँ की लोकल दारू, एप्पल से और पता नहीं किस किस चीज़ें बनाते हैं। लोकल दारू होती है देसी शराब। अच्छा ये जो होते हैं बिना डिग्री की शराब, हाँ देसी शराब होती है। तो ये जो भेड़ वाले बकरी वाले होते हैं ना यहाँ पे, तो ये बना लेते हैं घंटी वगैरह। तो अमन भाई बता रहे हैं घंटी बजा के उसको पीने आए हैं। ओ मैं चल इनको गया। तो डाले में वहाँ इनके वहां से उतरते हुए जब मैं उतर रहा था ना कसम से, अब मैं तो तुम्हारे चक्कर में जल्दी आया कि ये लोग आ गए होंगे। मैं जैसी धार पे पहुंचा ना नीचे देखा, मैंने पहले देखा मैं इतना ऊपर चढ़ गया और फिर पैर रखूँ ना तो पैर भाई मैं मुझे पता है कैसे फिसलते बच के आया हूँ। अभी जान सी रखी है ये, हम बोलते हैं इसको धूप, गूगल धूप। धूप गूगल, हाँ जी। ये जो ना गूगल को अपने घर ले जाते हैं हम जाके, अब मोबाइल में गूगल खोलेंगे या गूगल को उठा के अपने घर ले जाएंगे और उसको जो है जलाएंगे। भाई भेड़ बकरी पीछे को, अमन भाई पीछे, और यार गाड़ी थोड़ी सी पीछे और लगाओ, वो हाथी चढ़ेगा ना गाड़ी में। पीछे लगाओ यहाँ पे बिल्कुल। अमन भैया पीछे बैठेंगे, चलो आराम दे, झटका मत मारियो। देख मेरी कमर में वैसे ही चनका निकला हुआ है। अरे तुम बैठ लो ना नीचे। ना ना अबे वो गेर लो ना। नो अमन भाई की जय हो। जय हो जय हो। हाँ नहीं होती है। अब क्या देख रहे हो, वीडियो तो खत्म हो गई भाई, वीडियो खत्म हो गई, अपने अपने घर जाओ, छुट्टी हो गई, छुट्टी फिल्म खत्म, शो खत्म। मर गए। एक तो वो बड़े बड़े पत्थरों में चले ना एक पौना एक घंटा, उसमें तो बैंड बजा, भूख के प्यासे बेचारे मासूम, उससे भी ज़्यादा बैंड बजा अभी गाड़ी में डाले में बैठ के। सड़क इतनी ख़राब, ऐसे ऐसे चल रही गाड़ी ऐसे डिग 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 डिग, और वह नीचे ऐसे ऐसे ढलान, और नीचे वो बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। डिस्टेंस कितनी होगी पता नहीं यार, कितनी डिस्टेंस है, आधे घंटे से ज़्यादा लग गया नीचे उतरने में। कभी अगर आप भी आओ ना, सुनो मेरी बात, ट्रैक मत करना बिल्कुल भी चाका का। अगर आपको बहुत ही बड़ा कीड़ा है ट्रैक करने का तो ट्रैक कर लेना, चढ़ जाना, कोई मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन क्या है, अगर आप 4-5 लोग हो तो भाई नीचे से गाड़ी कर लेना, गाड़ी होगी यही ये डाले वाली गाड़ी कर लेना, समझिए ना माल ढोने वाली, ये हो जाएगी। अपन 5,000 रुपये ले लेगा पर डे के, पर डे नहीं पर डे
पर डे के 5,000 ले लेगा, ऊपर चढ़ाएगा, चागा तक नीचे उतारेगा, कल्पा तक या रिकोंगपियो तक आपका बढ़िया काम हो जाएगा। 4-5 लोग होंगे तो आप पे 1,000-1,000 खर्चा आएगा। वहाँ जाके सुबह चढ़ जाओ, खाना उना ले जाओ, फला के अपना खूब खाओ आराम से, लेकिन शर्त यह है कि जितना फलाओगे उतना उठा के लाना है, इतना सा भी कुछ छोड़ के नहीं आना, ठीक है ना। ये अच्छे बंदों की पहचान होती है, तो यू आर ए अच्छा बंदा। वहाँ पे मस्ती मारो खूब, इधर उधर जाओ, ऊपर चढ़ जाओ पहाड़ों पे, कोई डर की बात नहीं है। बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट टाइम है मानसून। मानसून इसलिए है क्योंकि ऊपर की हाइट है 3800 मीटर, 3800 मीटर पे मई जून तक बर्फ़ होती है बहुत। बर्फ़ में जाके यार मज़ा नहीं है उतना, हो सकता है आपने कभी बर्फ़ ना देखी हो, पर भाई चाका पे बर्फ़ में वो मज़ा नहीं आएगा। गाड़ी में बैठ के मेरी एक एक हड्डी दुख रही है, एक एक हड्डी। वो अच्छा है कि जीभ में हड्डी नहीं होती, नहीं तो जीभ भी दुख चुकी होती है, और आप जो मैं जो ये फूफू कर रहा हूँ ना, ये नहीं देख पाते आप। तो भाई मानसून, मानसून के बाद अक्टूबर नवंबर, नवंबर में फिर वहाँ से वहाँ पे बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी, और वहाँ पे जो वो गुज्जर गद्दी लोग हैं ना रहने, वो अपने ऊपर तक यार देखो सेब के बगीचे हैं, मटर की खेती होती है ऊपर तक वो फापरे की खेती होती है, वो जो लाल सा खेत दिखाया था ना उन्होंने गुलाबी सा पिछली वीडियो में, वो फापरे का खेत था, मैं बाद में पता चला, उस टाइम ना पता था। फापरे की खेती होती है भाई, मटर की होती है, सेब की होती है ऊपर तक, तो ऊपर तक छानियाँ बनी हुई है लोगों की, टेम्परेरी घर बने हुए हैं उसके पत्थर के, तो ऊपर तक आवाजा भी मिल जाती है मानसून में। अक्टूबर के बाद सारे लोग आ जाएंगे नीचे, तुम्हें घंटा कोई नहीं मिलेगा, घंटी भी नहीं मिलेगी। तो बस मैं यही कहना था, वीडियो कर रहा हूँ ख़त्म। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना, देखो इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, आज बहुत सारे लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, भाई कर लो, गिनती बढ़ती है, मेरा अच्छा लगता है, जितना आज खून फूका है चैनल सब्सक्राइब करोगे खून बढ़ जाएगा मेरा। और ये कहना था कि मैं वीडियो कर रहा हूँ ख़त्म, अगली वीडियो ज़रूर देखना, अगली वीडियो बहुत बढ़िया आएगी। राम राम।